आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर पे आप आसानी से फूलों के बीजों को कैसे उगा सकते हैं, उगाने के बाद उन्हें कैसे ट्रांसप्लांट करना है और उनमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लाने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। बीजों को अच्छे से उगाने के लिए जो हमें सॉइल मिक्स लेनी है उसमें हम 70% कोकोपीट लेंगे। कोकोपीट नारियल के छिलके जो होते हैं उन्हें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाया जाता है। और 30% हमें सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट पहले से ही पाउडर फॉर्म में होती है तो आसानी रहेगी आपको। इसके अलावा हम 1 टेबल स्पून फंगीसाइड पाउडर लेंगे। फंगीसाइड पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं जो आसानी से आप मार्केट में मिल जाए, इससे जो हमारे सीडलिंग में फंगस नहीं आएगा। हम इन्हें यूज़ करने से पहले अच्छे से मिला लेंगे। सीडलिंग या पौध तैयार करने के लिए हमें एक कंटेनर लेना है, एक पॉट लेना है, वो कम से कम 5 से 6 इंच गहरा होना चाहिए और उसमें नीचे ड्रेनेज के लिए होल होने चाहिए। पॉट को हम सॉइल मिक्स से अच्छे से फिल कर लेंगे। इसके बाद हम कोई भी छोटा पॉट लेके अपने जो सॉइल का सरफेस है उसे स्मूथ कर लेंगे, बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए हमारी सॉइल का सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा गीला कर लेंगे, थोड़ा सा इस पर पानी छिड़क देंगे। अच्छे से पानी हम छिड़क देंगे जिससे कि हमारी जो सॉइल मिक्स है वो अच्छे से गीली हो जाए। ये हमारा पॉट काफी बड़ा है तो इसमें हम 2 हिस्से कर लेंगे जिससे कि हम 2 तरीके के इसमें सीड लगा सकें। सीड के पैकेट आप सीजन के हिसाब से ले सकते हैं। ये सारे विंटर के सीड्स हैं तो आज इनमें से हम 2 टाइप के सीड आपको उगा के दिखाएंगे। सबसे पहले हम एंथीरिनम या इसे डॉग फ्लावर भी कहा जाता है, तो इसके सीड्स निकाल लेंगे। काफ़ी छोटे छोटे सीड्स होते हैं इसके, काले कलर के। ये देखिए कितने छोटे छोटे से सीड्स हैं। तो इन सीडों को हम सॉइल की सरफेस पे अच्छे से बिछा देंगे, हाथों से इन्हें फैला देंगे सीड। दूसरे सीड्स हम सिनेरारिया के लगाएंगे। देखिए काफ़ी छोटे छोटे सीड्स हैं इसके भी, तो हम सॉइल पे अच्छे से बिछा देंगे सीड्स को। बस आपको ये देखना है कि एक जगह सीड्स इकट्ठे ना हो जाएं। हमने अपने सीड्स अच्छे से बिछा दिए। अब जो हमने सॉइल मिक्स हमने बनाई थी उससे हम सीडों को हल्के हल्के से ढक देंगे। ज़्यादा हमें नीचे इन्हें दबाना नहीं है, सिर्फ हमारे सीड ढक जाएं इतने ही उन पर सॉइल हमें डालनी है। हम अक्सर क्या करते हैं कि सीडों को काफ़ी नीचे दबा देते हैं तो उससे जर्मिनेशन रेट हमें बेकार मिलती है। अब हल्के से उन्हें बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब सीड कवर हो जाए हमें दिखे ना, उतना ही उस पर सॉइल डालेंगे तो हमें जर्मिनेशन रेट काफ़ी अच्छी मिलेगी। सीड्स को अच्छे से ढकने के बाद हम सॉइल को हल्के हाथों से दबा देंगे, इससे हमारे सीड्स इधर उधर नहीं जाएंगे जब हम इनमें वाटर देंगे। अब हम सॉइल में पानी दे देंगे। पानी आपको किसी भी शावर या स्प्रे से देना है। अगर आपके पास कोई भी बोतल है तो आप उसके कैप में छेद करके पिन से उससे भी आप पानी दे सकते हैं। ऐसे पानी देने से जो हमारे सीड है वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। अच्छे से पानी देने के बाद हमें पॉट को एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पर फुल सनलाइट आए। विंटर में हमें फुल सनलाइट में रखना है पॉट को, और जब भी हमारी सॉइल ड्राई होने लगे तभी आपको इसमें और वाटर ऐड करना है। बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि कौन से सीड हमने कहाँ उगाए थे, इसलिए हम इन्हें टैग कर देंगे। 7 दिनों के बाद ये देखिए हमारे सिनेरारिया के प्लांट्स जर्मिनेट हो गए हैं कुछ, लेकिन जो हमारे एंथीरिनम के प्लांट हैं वो अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, सीड जर्मिनेट नहीं हुए हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे से आपको प्लांट्स दिख रहे होंगे, ये सिनेरारिया है। तो अभी कुछ ही दिनों में हमारे एंथीरिनम के भी जर्मिनेट हो जाएंगे। 9 दिनों के बाद ये देखिए हमारे एंथीरिनम के जो सीड्स थे वो भी जर्मिनेट हो गए हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन रेट मिल रहा है। अभी कुछ दिनों में सारे सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। 16 दिनों के बाद ये देखिए हमारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं। अगर आपकी सॉइल ड्राई हो जाए तो आपको इसमें वाटर और ऐड कर देना है। वाटर आपको शावर से देना है। ये देखिए मैंने बोतल की कैप में पिन से होल कर लिए थे तो मैं उससे वाटर दे रहा हूँ।
इससे देने से क्या होगा कि हमारे जो प्लांट्स हैं, सीडलिंग हैं छोटी छोटी, वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। आपको फोर्सफुली वाटर नहीं देना है, ज़्यादा फोर्स से वाटर नहीं देना है। तो वो फोर्स से देने से क्या होगा कि जो आपकी सीडलिंग है वो सॉइल से उखड़ सकती है, ख़राब हो सकती है। 22 दिनों के बाद ये देखिए जो हमारे सीडलिंग है वो काफ़ी अच्छी साइज़ की हो गई है, बढ़ने लगी है। तो ये सीडलिंग है जो धीरे धीरे ही बढ़ती है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये देखिए मेरी पॉपी की सीडलिंग है, ये पेटूनिया की है, ये कैलेंडुला की है। जब इतने साइज़ की हो जाए तो ये ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी है। जब हमारी सीडलिंग 30 से 35 दिन की हो जाए या उसमें 3 से 5 बड़े पत्ते आ जाएँ, जब आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी एक कैलेंडुला की सीडलिंग है, ये करीब करीब 32 दिन की है, तो इस टाइम आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये हमारी 35 दिन पुरानी डीएनथस की सीडलिंग है, तो ये भी अब ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जब भी आपकी सीडलिंग 3 से 4 इंच की हो जाए तो आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किसी भी गार्डनिंग टूल से आराम से पहले सीडलिंग को निकाल लीजिए। रूट बॉल में मिट्टी रहनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल रूट बॉल हमारी बिल्कुल आराम से निकल गई है। मिट्टी को साथ रखना है, अगर ऐसे आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो शॉक नहीं लगेगा। एक पौधे के हिसाब से 6 से 8 इंच डायमीटर के पॉट आप ले सकते हैं। उसमें आप ये देख लें कि ड्रेनेज होल होने चाहिए। ड्रेनेज होल को आप किसी भी पत्थर से कवर कर दें। मिट्टी के मिक्स के लिए हमें 70% घर की मिट्टी लेनी है, जो आपके गार्डन में जो मिट्टी होती है वो लेनी है, और 30% आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। सारे गमलों में मिट्टी अच्छे से भर लेंगे। ऊपर हमें 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ना है जिससे कि वाटरिंग अच्छे से हो पाए। एक साथ आप ज़्यादा पौधे भी लगा सकते हैं। जैसे ये 20 इंच डायमीटर का पॉट है तो इसमें हम 5 से 6 पौधे लगा सकते हैं। नीचे ड्रेनेज होल बना लें और उन्हें कंकड़ से ढक दें। अच्छे से मिट्टी भर के आप ऊपर 1 से 2 इंच का गैप छोड़ दें जिससे कि पानी अच्छे से हम दे सकें, पानी उसमें रुक सके। छः से 7 इंच के जो गमले हैं उसमें हम 1-1 पौधा लगाएंगे। मिट्टी में हमें 3 से 4 इंच गहरा गड्ढा बना देना है, बीच में बनाए, और उसमें जो रूट बॉल है उसमें डाल के मिट्टी से हमें ढक देना है और अच्छे से दबा देना है जिससे कि हमारा पौधा सीधा खड़ा हो सके। ये देखिए ऐसे ही हम अपने सारे पौधों को लगा लेंगे, बीच में गड्ढा बना के उसमें रूट बॉल डाल के अच्छे से मिट्टी से कवर कर देंगे जिससे कि हमारा पौधा बिल्कुल सीधा खड़ा रहे, गिरे विरे ना हो। ये देखिए आराम से उसे मिट्टी को दबा दीजिए कोने कोने, तो पौधा आपका सीधा खड़ा रहेगा। ये देखिए बड़े गमलों में आप एक साथ 5 से 6 पौधे लगा सकते हैं। देखिए हम बीच में लगा रहे हैं पहले, उसके बाद फिर हम साइड साइड में लगा देंगे। तो हमें छेद बनाना है मिट्टी में और उसमें रूट बॉल को डाल देना है और ऊपर से मिट्टी को डाल के अच्छे से दबा देना है जिससे कि हमारे पौधे सीधे खड़े रहें। ये देखिए 2 पौधों के बीच में कम से कम 4 से 5 इंच का गैप रखना है हमें जिससे कि वो अच्छे से बढ़ सकें। ऐसे ही हम सारे पौधों को पॉट में आराम से लगा देंगे। ये देखिए छोटा सा एक छेद बनाना है, उसमें रूट बॉल को फिट करके आपको सॉइल से उसे अच्छे से कवर कर देना है और थोड़ा सा दबा देना है जिससे कि हमारा पौधा खड़ा रहे। 20 इंच के गमले में हमने करीब 6 पौधे लगा दिए हैं, तो काफ़ी होंगे इतने साइज़ के लिए। इसमें अच्छे से हमारे पौधे बढ़ सकेंगे। पौधे को ट्रांसप्लांट करने के तुरंत बाद हमें पानी दे देना है। पानी देते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि पानी हमें पौधे पर नहीं डालना है, सिर्फ मिट्टी में ही पानी दें। अगर आप पौधे पर पानी देते हैं तो पौधा हमारा झुक जाएगा और वो मिट्टी से चिपक के उसके लीव्स गल सकते हैं और उसकी जो ग्रोथ होगी वो भी ख़राब हो सकती है। ट्रांसप्लांट करने के 20 से 25 दिन के बाद ये देखिए हमारे कैलेंडुला के प्लांट से जो हमने सिंगल पॉट में लगाए थे, देखिए कितने सारे उसमें बर्ड्स बन गए हैं और फ्लावरिंग कितने अच्छे से हो रही है। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है, कितने अच्छे फ्लावर खिल रहे हैं इसमें कैलेंडुला के, ये देखिए। और जो हमने डीएनथस के बड़े पॉट में लगाए थे एक साथ करीब 6 पौधे, तो उसमें देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग उसमें स्टार्ट हो गई, अलग अलग कलर के उसमें फ्लावर खिल रहे हैं। आपके प्लांट में हमेशा फ्लावर बने रहें इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी फ्लावर आपके खिल के मुरझा जाएं तो उन्हें आपको प्लांट से हटा देना है। इससे आपके प्लांट नए बर्ड्स बनाएंगे, वो अपनी एनर्जी सीड बनाने में वेस्ट नहीं करेंगे।